आज हम बनाएंगे त्योहारों की स्पेशल बेसन की मिठाई, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लिए हमने 2 कटोरी बेसन लिया है। इसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी हमने सूजी ली हुई है। 4 इलायची ली है, जिसका हम पाउडर बना लेंगे। उसी नाप से हमने 1 कटोरी चीनी पाउडर लिया है और 1 कटोरी हम घी लेंगे। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और बेसन भूनते जाएंगे। घी ऐड कर देंगे, घी हमें थोड़ा ही ऐड करना है, हम बाकी घी बचा लेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम बेसन ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम कम करके अब हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें इस टाइम पर घी कम लग रहा है, थोड़ा घी हम और डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाते हुए भून लेंगे 5 मिनट के लिए। शुरू शुरू में ये थोड़ा सूखा रहेगा और थोड़ी देर बाद भूनते भूनते ये अपने आप देखिए गीला हो चुका है, घी छूट चुका है बेसन से। हमें इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और भूनना है। दो कटोरी बेसन के ही नाप से हमें आधा कटोरी सूजी डालनी है। अब हम सूजी को भी ऐड कर देंगे और बेसन के साथ सूजी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। बेसन को भूनते टाइम हमें गैस का फ्लेम लो मीडियम पर रखना है, और अगर हम गैस का फ्लेम तेज करके बेसन को भूनते हैं तो बेसन जल जाएगा और बर्फी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमें लो फ्लेम पर ही इसे भूनना है। बेसन को भूनते भूनते 10 मिनट हो चुके हैं, ये हल्का भून चुका है। अब हम साथ ही इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। 4 इलायची को हमने कूट के पाउडर बना लिया है, अब हम बेसन में डाल देंगे। और साथ ही हम केसर वाला थोड़ा सा 1 टेबल स्पून दूध में हमने केसर भिगो के रखी हुई थी, इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला के भून लेंगे। इसे भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें से सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चीनी पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके 2 से 3 मिनट अब हम इसे भी भून लेंगे ताकि बेसन गीला हो जाए। गैस का फ्लेम हम लो मीडियम से थोड़ा तेज कर लेंगे और तेज करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मिठाई जमने की स्टेज पे आ जाए। हम थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा मिश्रण बर्फी जमने के स्टेज पे आ चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, मिश्रण को हटा लेंगे। अब हम ट्रे को घी से ग्रीस कर देंगे ताकि हम इसमें मिठाई अच्छे से सेट कर सके। मिठाई के सारे मिश्रण को हम ट्रे में डाल देंगे और इसे अच्छे से सेट कर देंगे। बर्फी हमने अच्छे से सेट कर ली हुई है, अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आप इसे किसी भी ठंडी जगह पर सेट होने के लिए रख दीजिए। हम बर्फी पे चांदी का वर्क लगा रहे हैं। अगर आप चांदी का वर्क नहीं लगाना पसंद करते हो तो इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी हम इसमें डालकर अच्छे से सेट कर सकते हैं, वो मिठाई भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम मिठाई के पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी मिठाई कितने अच्छे से सेट हो चुकी है, कितने अच्छे से कट रही है, और दिखने में तो ये लाजवाब है ही, और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए एक पीस हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए हमारी मिठाई कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी अच्छी बनी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।